हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मुझे बड़ी अफसोस है कि कई दिनों से पढ़ाई आपकी नहीं हो रही है। इसका कारण है कि मेरे घर का जो वाईफाई है वो काम नहीं कर रहा था, और उसके 2 दिन पहले मेरा तबीयत 2 दिन तक लगातार खराब था। 2 वीडियोज मैंने भेजा है अभी जब से कोचिंग बंद है तब से। इस लेसन का परमोटेशन एंड परमोटेशन है एक्सरसाइज 13.5 टाइप नंबर 7, जिसका हम 6 नंबर क्वेश्चन आपको भेजे थे। 6 नंबर क्वेश्चन, उस पर आधारित क्वेश्चन को बनाइए, और मैं 9 नंबर क्वेश्चन, 6 बन गया तो 7-8 हफ्ते बन जाएगा 2 क्वेश्चन। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंस एक वो शब्द है, तो इंडिपेंडेंस शब्द से आपको बनाना है कि अगर इंडिपेंडेंस शब्द अगर आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि पी अक्षर से स्टार्ट होने वाले कितने शब्द बन जाएगा बना के दिखाइए। देखिए आपको किताब लिखा है कि शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, तो वैसे कितने शब्द बना सकते हैं बनाइए। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सभी स्वर एक साथ रहे, अगर सभी स्वर को एक साथ ले लेते कितने शब्द बनेगा। सभी स्वर एक साथ नहीं रहे, अगर सभी स्वर एक साथ नहीं रहते कितने शब्द बनेगा। शब्द आई से प्रारंभ होता है और पी से अंत होता है, आई से शुरू होता है और पी से खत्म होता है, तो वैसे शब्दों की संख्या बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको जा रहा हूँ सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है, क्वेश्चन का नंबरिंग करके लिख लेते हैं कौन सा वर्ड दिया है। तो वर्ड दिया है इंडिपेंडेंस, तो लिख लीजिए और दिखा दीजिए कि इंडिपेंडेंस में कौन कितने बार लेटर आया है। तो इंडिपेंडेंस जो है वो उसके पास 12 वो लेटर है, और 12 वो लेटर में देखिए लिखा है कि आई जो है एक बार है, एन जो है 1, 2, 3, 3 बार है, उसी तरह से डी कितने बार है, 1, 2, 2, डी 2 बार है, ई कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 4 बार है, ई कितने बार है, 4 बार है, सी कितने बार है, देख लीजिए सी कितने बार है, 1 बार है, पी कितने बार है, तो 1 बार है। इस तरह से टोटल नंबर आपका पास हो गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या कितना हो गया 12, टोटल अक्षरों की संख्या कितना हो गया 12। अब इस बार हम क्वेश्चन बनाकर आपको दिखा रहे हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन, यहां से नंबर 1 रोमन का लिखा है कि वैसे शब्दों को संख्या बताइए, वैसे शब्दों की संख्या बताइए जो पी अक्षर से शुरू होता है। ठीक है, पी अक्षर से शुरू होता है। तो हम देखिए किताब में यहां पर लिखा हुआ है, वही चीज से हम उतारते हैं। ऑल द लेटर्स किधर गया, हाँ, इसका पहला क्वेश्चन जो है द वर्ड स्टार्ट विथ वी लिखा हुआ है, द वर्ड स्टार्ट विथ, हम भी लिखते हैं द वर्ड, लिखते हैं द वर्ड स्टार्ट विथ वी, स्टार्ट विथ पी, कह रहे कि वैसे शब्द बताइए जो पी अक्षर से शुरू होता है, द वर्ड स्टार्ट विथ वी, ऐसे शब्दों की संख्या बताइए जो पी से स्टार्ट होता है, पी से शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं उसे सीखिए। लेकिन यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड लिखेंगे, शब्दों की संख्या। तो कुछ नहीं करना है, आप ही सोचिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ 12 गो लेटर है, इंडिपेंडेंस में कौन गो लेटर होता है, 12 गो, तो 12 गो लेटर होगा, तो 12 गो यहाँ हम डब्बा बनाएंगे, 12 गो बॉक्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 को हम बॉक्स बनाएंगे। अब बोल रहे हैं कि पी अक्षर से स्टार्ट करना है, तो चलिए हमें से पी उठा के हम यहाँ रख दिए। तो बताइए गिनती में ये 12 को लेटर है, और ये को उठाकर यहाँ हम फिक्स कर दिया, तो कौ बचोगा बचा यहाँ से यहाँ तक, 11 को प्लेस बचा, कौ को प्लेस बचा, 11 को, 11 को जगह बचा, और लेटर कौ को बचा, पी अगर हटा दिया इसमें से 12 गो में से, 12 गो लेटर में से अगर पी निकाल दिया तो 11 ही गुना बचेगा। तो 11 जगह को 11 अक्षरों से भरने का तरीका ऐसे होगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड। अब बताइए यहाँ पर जगह को वो बचा है 11, तो लिखेंगे 11 का फैक्टोरियल बट्टा नीचे। अब देखिएगा तो 11 गो जगह में 11 गो संख्या को, 11 गो लेटर को यहाँ रखना है, तो इस तरह से रखेंगे 11 का फैक्टोरियल बट्टा कौन कितने बार आया है, कितने बार आया है उसे 11 में देखना है, उसे 11 में, जैसे पी को मैं निकाल दिया, चलिए पी निकाल दिया, अब पी निकालने के बाद देखना है इसमें से आई कितने बार है, आई कितने बार है, तो 1 बार, तो 1 नहीं लिखिए छोड़ दीजिए, उसमें से देखिए एन कितने बार है, तो 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल, उसमें से देखिए क्या है डी कितने बार आया, तो 2, तो 2 का फैक्टोरियल, इस तरह से बनाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए उसी तरह से देखिए इसमें से ई कितने बार आया है, कितने बार आया, तो 4 बार, देखिए तो 4 का फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो गया। बस या तो इसको सॉल्व कर दीजिए या तो मत सॉल्व करिए, इसी तरह रहने दीजिए। तो क्या आपने देखा कि एक वर्ड दिया था इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट वर्ड जो है 12 लेटरों से मिलकर बना होता है, तो इंडिपेंडेंस जो वर्ड है वो जो 12 लेटर से बना है, जिसमें से
आई एक बार है, एन तीन बार है, डी दो बार है, ई चार बार है, सी एक बार है और पी एक बार है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? 12। अब उसमें से पूछा है क्वेश्चन नंबर एक कि द वर्ड स्टार्ट विथ पी, वैसे शब्दों की संख्या बताइए जो पी अक्षर से शुरू होता है। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ वर्ड, शब्दों की संख्या, कुछ नहीं करना है। 12 को लेटर है तो 12 को जगह होगा, इसमें से पी को उठाकर मैंने रख दिया, फिक्स कर दिया, तो बचा को बचेगा 11 को, अंकों को बचा यहाँ, सॉरी यहाँ पर लेटर को बचा तो 11 को, क्योंकि पी तो पहले ही लेटर पर आ गया, यहाँ आ गया जगह पर, पी उठाकर मैंने रख दिया है, तो लेटर बचा 11 को, जगह बचा 11 को। इस चीज को ऐसे लिखते हैं, 11 का फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया है। अगर पी को उठा यहाँ रख दिए हो तो पी को यहाँ ढकोगे तो इन्हें देखना है कौन लेटर कितने बार आया, तो देखेंगे गौर से ना, तो आई एक बार, एन तीन बार, डी दो बार, ई चार बार, सी एक बार, पी के तो रखना ही है। तो इस तरह से बनाया जाता है क्वेश्चन, 11 का फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया है। ये तीन क्या है, तो एन के, एन का प्लस है, एन कितने बार आया है वो चीज है। दो क्या है, तो डी कितने बार आया है, दो बार, तो वो चीज है। चार क्या है, तो ई चार बार आया वो चीज है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि कोई वर्ड दिया गया हो और पूछेगा कि पी अक्षर से शुरू होने वाले या और भी कोनो लेटर से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या बताओ, तो आप इसी तरह बताइएगा, लिखिएगा नंबर ऑफ वर्ड, 11 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका नंबर दो क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं, आइए क्वेश्चन नंबर दो का जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, यहाँ पर जगह एकदम बिल्कुल नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी से देखकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट आप ही इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस लेसन को जल्दी खत्म करिए, नया लेसन शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम दो नंबर का जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दो का जवाब दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। दिखाई कि सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, अगर सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं तो वैसे शब्दों की संख्या बताइए क्या होगा। इंग्लिश में लिख देता हूँ, दो नंबर, ऑल द वॉवेल्स occur together, all the vowels occur together, लिखता हूँ, all the vowels occur together, all the vowels occur together, ठीक है। अगर सभी स्वर को एक साथ ले लिया जाए, शब्दों की संख्या कितना होगा, तो जिस क्वेश्चन में अगर लिखा हो ना ऑल द वॉवेल्स आकर टुगेदर, यानी सभी स्वरों को, तो चलिए पहले स्वर कितने हैं देख लेते हैं, इसमें कितने स्वर हैं तो देख लेते हैं। ये स्वर है 1 2 3 4 5, ओ जो इंडिपेंडेंट शब्द है उसमें स्वरों की संख्या 5 है। देखिए ना, मैं लिखता हूं वॉवेल्स, देखिए वॉवेल्स, वॉवेल्स कितने हैं इसमें, तो वॉवेल्स इसमें है आई है, फिर क्या है ई 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 है, यानी 5 को भवल से कितने हैं, 5 है, कितने हैं 5, 5 भवल से। स्टूडेंट याद रखिएगा, देखा ऑल द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, मैंने सभी स्वर को एक साथ ले ले तो शब्दों की संख्या क्या होगा ये पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसमें गिन लीजिए वॉवेल्स कितने हैं, तो लिख दीजिए वॉवेल्स है आई ई ई ई चार बार है, तो 4 को ये को 5, 5 को है, यानी वॉवेल्स का संख्या 5। अब क्या लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि इन्हें एक यूनिट माना जाए, यदि इन्हें एक यूनिट माना जाए तो यदि इसे एक यूनिट मान लेते हैं तो जानते हैं क्या होगा शब्दों की संख्या, तो नंबर ऑफ वर्ड जानते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर कितना होगा, लेटर लिख देते हैं, नंबर ऑफ लेटर कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा, टोटल है 12 गो, तो 12 गो में से 5 को निकाल देंगे तो बचेगा 7 गो। अच्छा, इन सबको मैंने एक यूनिट बनाया, यदि इन्हें एक यूनिट माना जाए तो ये एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। अब सुनिए, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि ये 8 क्या है, देखिए ये 8 कहाँ से आया, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि वॉवेल्स को यदि इन्हें एक यूनिट माना जाए, इन सभी वॉवेल्स को अगर एक यूनिट मान लेते हैं तो नंबर ऑफ लेटर कितना होगा, शब्दों अक्षरों की संख्या कितना होगा। देखिए पहले से अक्षर मेरे पास 12 है और उसमें से 5 वॉवेल्स है, वॉवेल्स कितने हैं 5 है, तो 12 में से 5 घटा देंगे बचेगा 7। अच्छा, एक ये जोड़ क्यों रहे हैं,
क्योंकि मैं सारे वॉवल्स को एक मान रहा हूँ, एक यूनिट मान रहा हूँ। तो याद रखिएगा जिस क्वेश्चन में लिखा होगा ऑल द वॉवल्स अगर टुगेदर, तो करते क्या है टोटल में से वॉवल्स की संख्या को घटा लेते हैं। पर टोटल में से वॉवल्स जब घटाएंगे तो बचेगा सात, और सात में जो यूनिट माने उसको जोड़ लेंगे वो गया। चलिए स्टूडेंट, सर्दी खांसी का दिन तो है, बीच बीच में स्नान कर दे रहा सर्दी खांसी। चलिए, तो मैंने क्या समझा रहा था कि जिस क्वेश्चन में लिखा हो कि अगर सभी वॉवल्स को एक साथ ले ली जाए तो वैसे शब्दों की संख्या क्या होगी, वही मैंने लिखा है। देखिए ना कि सभी वॉवल्स को गिन लिया तो हो गया पांच, और इन्हें एक यूनिट मान लिया, तो बारह में से क्या करेंगे इस पांच को घटा देंगे तो हो गया सात, और सात में जब इनको एक यूनिट माना हो सभी वॉवल्स को तो उसको जोड़ देते हैं आठ। अब लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, लेटर नहीं नंबर ऑफ, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड शब्दों की संख्या। तो शब्द कितने हैं तो देख लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे आठ का फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया है, तो कौन कितने बार आया है तो एन तीन बार आया है, डी दो बार आया है, और ई कितने बार आया है चार बार आया है। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो भी वॉवल्स है ना सबको जोड़ के लिख लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो पांच हो गया, तो पांच का फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि आठ का फैक्टोरियल बट्टा, आठ का फैक्टोरियल बट्टा तीन का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, चार का फैक्टोरियल, ये तीन क्या है ई की, तीन क्या है एन की संख्या है, दो क्या है डी की संख्या है, ई क्या है चार की संख्या, चार क्या है ई की संख्या है, ठीक है। उसी तरह से ये पांच क्या है तो वॉवल्स की संख्या है। क्वेश्चन तो वॉवल्स पर ही ना बना रहे हैं, इसलिए वॉवल्स की संख्या को लिखेंगे। ये आठ क्या है तो बारह में से पांच हटा देते हैं सात, इसको एक यूनिट मान लेते हैं वो आठ हो गया, आंसर हो गया आठ का फैक्टोरियल बटा तीन का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, चार का फैक्टोरियल गुणे पांच का फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन नंबर दो का आंसर है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम सभी स्वर को एक साथ नहीं लेंगे तो शब्दों की संख्या क्या होगा। तो जिस क्वेश्चन में लिखा हो कि जब सभी स्वर को एक साथ नहीं लेंगे, जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर तीन देखिए बुक में देखिए, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप वीडियो को बार बार देखकर आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और जल्दी से कोर्स को आगे बढ़ाइए सभी लोग, ठीक है। सभी लोग वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, एक बार नहीं दो बार तीन बार देखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन का तीसरा नंबर का जवाब देने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहे, ठीक है। The vowels never occur together. The vowels never occur together. Okay, the vowels together लिखा है ना? The vowels never occur together. The vowels never occur together की बात कर रहा है, जब सभी स्वर एक साथ नहीं रहे तो शब्दों की संख्या क्या होगा। तो देखिए यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड शब्दों की संख्या, तो शब्दों की संख्या होगा क्या करेंगे, टोटल जो है ना बारह लेटर है तो लिखेंगे ऐसे बारह का फैक्टोरियल बट्टा जो आया है कितने बड़ा है तीन का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, फिर चार का फैक्टोरियल माइनस उसमें से वो घटा देंगे जो वॉवल्स वाला आया है। तो वॉवल्स वाला अभी तो याद है आपको, अभी लिखा था वॉवल्स वाला अभी तो आया था, वॉवल्स वाला कितना आया था देखिए, वॉवल्स वाला आंसर आया था अभी कि वहां हम लिखे थे कि आठ का फैक्टोरियल, फिर लिखे थे पांच का फैक्टोरियल बटा तीन का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, चार का फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा यही आंसर ही सही है। याद रखिएगा टोटल कितना है बारह लेटर, जिसमें से आई एक बार आई नहीं लिखा जाता है, एक होगा तो नहीं लिखा जाता है, एन तीन बार, डी दो बार, ई चार बार, सी एक बार, पी एक बार। ध्यान रखना है स्टूडेंट कि 12 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल में से घटाएंगे हम वॉवल्स वाला, ये क्या है तो वॉवल्स वाला है, 8 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 3 2 4 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर वो है जो सभी स्वर एक साथ नहीं आएंगे उसके लिए, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि जरूर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये 3 का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 9 का 3 नंबर का ये आंसर है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देते हैं, 9 का 4 का जवाब देते हैं। यहां से आइए,
चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चार क्या है ये चीज देख लो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर चार क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है द वर्ड बिगिन विद आई एंड पी, द वर्ड बिगिन विद आई, द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। चलो कि वैसे शब्दों की संख्या बताइए जो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है आई से और एंड होता है पी से। बिगिन होता है, ठीक है, बिगिन मतलब स्टार्ट होता है, शुरू होता है आई से और एंड होता है पी से। तो कुछ नहीं करना है, इंडिपेंडेंस में 12 लेटर है ना, जिसमें से आप स्टार्ट कर रहे हो आई से, तो आई को फिक्स कर दो। देखो 12 होता है तो 12 लेटर में 12 जगह होते हैं, माना कि एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, दस है, ग्यारह है, बारह। कह रहा है कि स्टार्ट कर रहा है आई से, खत्म कर रहा है किस से, एंड कर रहा है पी से। तब 12 में से दो तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बचा 10 ना, ठीक है। याद रखिएगा द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, शब्दों की संख्या। जानते हैं कितना हो जाएगा, 12 में से दो तो पहले निकल गया, बचा 10 को जगह और 10 को लेटर बचा। इसको ऐसे लिखते हैं 10 का फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया है, एन आया है 3 बार, डी आया है 2 बार और ई आया है 4 बार। ये आपका आंसर, क्लियर है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसे शब्दों की संख्या मैंने बताया है जो शुरू हो रहा आई से और खत्म हो रहा पी से, तो लिखा नंबर ऑफ वर्ड, वैसे शब्दों की संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। 9 का 4 क्वेश्चन जो दिया था ऑप्शन में, 4 दिया था रोमन में, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया था, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन छोटा सा बनाते हैं, आइए देखते हैं उसको। वो क्वेश्चन का नंबरिंग होगा मेरा, तो 9 बन गया तो 10 बन जाएगा, 11 बन जाएगा आपसे। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, बहुत करीबी मामला है, वो बहुत करीब क्वेश्चन है। देखिए उस क्वेश्चन को देखिए आप और उसको बना लीजिएगा, तो हमें लगता है कि उस पर आधारित और भी क्वेश्चन जो होगा उसको बना लीजिएगा। देखिए आइए, वो क्वेश्चन है 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं, सोल्यूशन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौर करिएगा, लिखा है इनवेलप, आई एन वी ओ एल यू टी ई, इनवेलुट, ठीक है, लिखा इनवेलुट। शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण कितने अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि पहले से 3 गो भवल से हैं, 2 गो कॉन्सोनेंट है। लिखा है कि 3 स्वरों और 2 व्यंजनों को वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाते हैं, पहले लिखते हैं इनवेलुट, लिखते हैं हैस, पहले देखेंगे इसके पास कितना लेटर है, 2 2 4 2 6 2 8 लिखेंगे। इनवेलुट हैज 8 लेटर्स, इनवेलुट हैज का 8 लेटर्स, इन विच लिखेंगे, इन विच कौन कितने बार आया है लिखेंगे, इन विच। अब बताइए आई कितने बार आया है बता दीजिए, तो 1 बार आया है। एन कितने बार आया है बता दीजिए, तो 1 बार आया है। अच्छा वी कितने बार आया है तो बता दीजिए, 1 बार आया है। फिर ओ कितने बार आया है तो 1 बार आया है। फिर बताइए एल कितने बार आया है भाई, तो 1 बार आया है। फिर यू कितने बार आया भाई, तो 1 बार आया है। फिर टी कितने बार आया है भाई, तो 1 बार आया है। फिर ई कितने बार आया है, तो देख लीजिए 1 बार, ये सब 1-1 बार आया है, ठीक है। सब जुड़िएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर 8 होगा, ठीक है। कुल शब्दों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या 8 आ गया। अब इसमें से क्वेश्चन लगेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल रहा है कि पहले से इनके पास जो है, पहले से क्वेश्चन में 3 वो वोवल्स हैं और 2 कंसोनेंट है। देखिए यहां पर लिखा है किताब में 3 वोवल्स हैं और 2 कंसोनेंट है, तो बताइए इसे कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो पहले से मेरे पास, ध्यान रखिएगा, हम देख लेंगे यहां से देख लीजिएगा, ये देखिए हमारे पास जो लेटर है इनवॉल्व, इसमें देखेंगे कितने वोवल्स हैं, तो 1 2 3 4 4 वोवल्स, याद रखिएगा जो लेटर दिया है, जो हमारे पास वर्ड दिया है जिसके पास 8 लेटर है उसमें कितने वोवल्स हैं, 1 2 3 4 यहां लिखेंगे। वोवल्स कितना है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास वोवल्स है 4
अच्छा कॉन्सोनेंट कितने हैं ये देख लीजिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट अगर इन वॉवेल्स को हटा दीजिएगा, इन वॉवेल्स को हटा दीजिएगा, इन वॉवेल्स को हटा दीजिए, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, एक दो तीन चार, चार होगा तो कॉन्सोनेंट भी कितना होगा, चार होगा। लेकिन पहले से गिवन क्या है वो चीज देखिएगा, गिवन स्टूडेंट ये चीज देखिएगा, तो यहां से पहले से गिवन क्या है, गिवन हमारे पास पहले से वॉवेल्स दिया हुआ है, हमारे पास पहले से वॉवेल्स की संख्या दिया है, थ्री दिया है, कॉन्सोनेंट कितना दिया, कॉन्सोनेंट्स कितना दिया है, तो दो दिया है, ठीक है। तो पहले से वॉवेल्स तीन है, कॉन्सोनेंट दो है, आप जो वर्ड दिया है इन वैल्यूड उसमें कॉन्सोनेंट आपको दिया है चार और वॉवेल्स भी चार दिया, तो करेंगे इसकी रचना कैसे की जा सकती है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, चाहे ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन कर उनसे बना लेते हैं, लिखेंगे सिंस थ्री वॉवेल्स, देखिए लिखेंगे थ्री वॉवेल्स, ऐसे थ्री वॉवेल्स लिखेंगे, थ्री वॉवेल्स, वॉवेल्स कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी सेलेक्टेड इन आउट ऑफ, लिखेंगे इन आउट ऑफ कितना, फोर वॉवेल्स, कितना वॉवेल्स, फोर वॉवेल्स, ठीक है, याद रखिएगा, लिखा है थ्री वॉवेल्स कैन बी सेलेक्टेड इन आउट ऑफ फोर वॉवेल्स, इस चीज को ऐसे लिखते हैं फोर सी थ्री से, इसका मतलब होता है चार स्वरों में तीन स्वरों को चुनने का तरीका। फिर देखें नीचे टू वॉवेल्स कितना है, टू कॉन्सोनेंट, और ऊपर कितना है चार कॉन्सोनेंट, ठीक है, देखेंगे टू कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, टू कॉन्सोनेंट कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी सेलेक्टेड इन आउट ऑफ, इन आउट ऑफ कितना, तो फोर कॉन्सोनेंट, फोर कॉन्सोनेंट, इस चीज को लिखते हैं फोर सी टू से, फोर सी टू से, ठीक है स्टूडेंट। चार भोलों में, चार स्वरों में तीन स्वर को चुनने का तरीका, अब चार व्यंजक में दो व्यंजक को चुनने का तरीका फोर सी टू, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो वॉवेल्स दिया रहता है ना, गिवन होता है, अगर उसको हम जोड़े ना तो ये पांच हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लेटर, क्या बोलते हैं, लेटर्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को जोड़ते हैं ना स्टूडेंट, वो लेटर्स होता है, क्या होता है, लेटर्स होता है। अब करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड, शब्दों की संख्या लिखेंगे, तो शब्दों की संख्या होगा फोर सी थ्री गुणे फोर सी टू गुणे पांच का फैक्टोरियल, यहाँ यहाँ पांच जो है उसको लिख लेते हैं, पांच का फैक्टोरियल कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो चार आंसर होगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे कहीं अलग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिएगा ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे वाला करते हैं, यही रूल है बनाने का फोर सी टू का, यहाँ से हो जाएगा चार तीन दो का फैक्टोरियल, नीचे होगा दो का फैक्टोरियल, यहाँ से दो का फैक्टोरियल कट गया, यानी दो, यानी छह आंसर आएगा, यहाँ से छह आंसर आएगा। पांच का फैक्टोरियल तो सबको पता है कि 120 आंसर होता है, ये हो गया छो का 24, इसे गुणा करेंगे 24 में 12 से गुणा कर लीजिए, 12 नहीं मतलब कि 120 से गुणा कर लीजिए, बारह चौक 48 चार रहा, बारह में 24 28 रहा, इतना आंसर आएगा, ठीक है 28 800 आंसर आएगा, 28 80 करके आंसर आ रहा है ये आंसर, ठीक है आप अच्छा से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 28 80 आंसर आ रहा है, 28 80, ये आपका क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है, अब 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप अपने से जांच कर लीजिएगा, 28 80 आंसर आ रहा है, ठीक है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, इसको मैं मिटा देता हूं कि आपको समझ में आएगा पूरा। तो फिर मैं एक बार स्टूडेंट समझा देता हूं कि ये वैल्यूट है, इसके पास आठ गो लेटर है, कौन कितने बड़ा वो चीज यहाँ है, ध्यान रखिएगा इसमें पहले से वॉवेल्स चार है, कॉन्सोनेंट चार है, दिया हुआ है वॉवेल्स तीन और कॉन्सोनेंट दो, तो मैंने सिखाया कि तीन कॉन्सोनेंट को तीन कॉन्सोनेंट में, देखिए सॉरी थ्री वॉवेल्स में, थ्री वॉवेल्स में, थ्री वॉवेल्स को चार वॉवेल्स में चुनने का तरीका, जो बड़ा होता है इधर लिखते हैं, जो छोटा होता है इधर लिखते हैं, बड़ा वॉवेल्स एंड चार वॉवेल्स इधर है, तीन वॉवेल्स इधर है, देखिए चार वॉवेल्स, चार कॉन्सोनेंट इधर है, दो कॉन्सोनेंट इधर है, देखो कि चार वॉवेल्स में तीन वॉवेल्स को चुनने का तरीका, चार कॉन्सोनेंट में दो कॉन्सोनेंट को चुनने का तरीका, नंबर ऑफ वर्ड सबको गुणा कर देंगे, ये पांच का फैक्टोरियल क्या है, ये जो गिवन है ना कॉन्सोनेंट वॉवेल्स उसको जोड़ दिया हूँ, इसके फैक्टोरियल से गुणा करा देंगे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ और क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, इस पर आधारित क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे फिर, और आपको वीडियो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन का आज इस लेसन को हम लोग खत्म करेंगे, थैंक यू बेटा, बाय बाय।